द जर्नी ऑफ साउंड टू द ब्रेन। जब हमारे सराउंडिंग में साउंड वेव्स जनरेट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रम्पेट है जिसको ब्लोन किया गया है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो जनरेट हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में, उसको हमारे जो ईयर्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैप लाइक कवरिंग डेट इज़ अ पिन्ना, एंड पिन्ना ओपन इन टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट इज़ अ ऑडिटोरी कैनल। एट द एंड ऑफ ऑडिटोरी कैनल आप देख सकते हैं एक थिन मेम्ब्रेन है डेट इज़ अ ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिससे साउंड कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है। Behind the eardrum, ear ossicles are present, malleus, incus and stapes, which further amplify the sound waves. Stapes transfer sound waves into cochlea, which is a snail-shaped-like structure, जो diametrically आप देख सकते हैं decrease हो रहा है towards the center. Cochlea के अंदर एक fluid present होता है जो vibrate करता है after striking with sound. और जब आप इस fluid के अंदर जाएंगे तो आपको इसके bottom पर आप देख सकते हैं कि group of सेल दिख रहा होगा जिन्हें हम हेयर सेल्स या हेयर सेल्स बंडल्स कहते हैं। ये वो एक्चुअल हेयर सेल्स मींस वो न्यूरॉन्स हैं जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। जब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन एंड फ्लूड, तो उस दौरान ये आयंस रिलीज करते हैं जो आप डिफ्यूज होते देख रहे होंगे इनटू एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स या हेयर सेल्स, जहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करते हैं। After diffusion of neurotransmitter with auditory nerve, electrical signals will be generated. अब आप कोकिला में आपको ध्यान रखना है कि कोकिला के तीन डिज़ाइन हैं, एक हाईली स्वेलअप, एक मिड स्वेलअप एंड लो स्वेलअप पार्ट। तो जो हाईली स्वेलअप पार्ट है यहाँ पे हाई पिच साउंड वेव्स रिसीव होती हैं, मिड पार्ट मीडियम पिच साउंड वेव्स को रिसीव करता है या डिटेक्ट करता है, और जो टॉप ऑफ द कोकिला है जो लो स्वेलअप पार्ट है ये लो पिच साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है। इस तरीके से जो हमारा कोकिला है वो साउंड वेव्स को रिसीव करके ऑडिटोरी नर्व के जरिए ट्रांसफर कर देता है इनटू द ब्रेन, एंड दैट इज़ द जर्नी ऑफ साउंड टू द ब्रेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू NIH।